सब्सक्राइब करें एज ऑफ यूथ चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कल एक एमएचआरडी की तरफ से एक फरमान आया है सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को कि 29 सितंबर को जो है सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाई जाए। देखिए, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ देश में कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो। इससे पहले 20 बार ऐसा हो चुका है इस देश के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब उसकी जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है। लेकिन इस तरह से पिछले बार के सर्जिकल स्ट्राइक को पोर्ट्रे करना कहीं ना कहीं हमारे आर्मी पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और आर्मी के कई सारे चीफ जो पूर्व चीफ रहे हैं, उन्होंने इस बात को आके कहा है कि इससे पहले कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और जब भी जरूरत पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है। और इसका ये फरमान कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाए और इसको एक स्पेशल दिन की तरह मनाया जाए, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सरकार जो है अपने जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हों, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हों, चाहे वो सुरक्षा प्रदान करने के मुद्दे हों, चाहे वो रेप के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पे असफल रही है, जिसके वजह से सरकार कहीं ना कहीं इन तमाम तरह की चीज़ों को सामने लेके आ रही है और इंस्टीट्यूशंस में इनको थोपने का काम कर रही है। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसको पूरे मान सम्मान के साथ मनाते हैं। उसमें सारे लेक्चर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक डे क्यों हम मनाया जाए। साथ ही साथ अगर आपको सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाना है तो इसको संघ की शाखाओं में मनाया जाए, ताकि जो लोग जिनके अंदर अभी तक देशभक्ति की भावना नहीं आई है, जो संघ के लोग हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना आए और साथ ही साथ वो वहाँ पर झंडा भी फहराएं। देखिए, ये बात सिर्फ और ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जुमले पे काम करती है। आप देख लीजिए कि अभी 3 दिन पहले जो नरेंद्र भैया को जिस तरह से जो है पाकिस्तान के जो सेना है उनकी तरफ से हमला किया गया और उनको मार दिया गया, ये उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री शांति वार्ता की बात करते हैं। आखिर आपने तो ये कहा था कि हम एक सर के बदले 20 सर लाएंगे, क्या आप शांति वार्ता करके 20 सर लाएंगे? पिछले 4 साल में आप बॉर्डर के सारे मसलों पर जो है फेल हो चुके हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो है आप इन चीज़ों की लीपापोती कर रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाने के लिए यूनिवर्सिटी को फरमान दे रहे हैं। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए आए हैं और मनाते आएंगे, और ये सर्जिकल स्ट्राइक डे हमारी समझ से परे है।